खबर सीहोर जिले से है, जहां बुधनी उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में हजारों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने सीएम मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में अपने हजारों भाजपा समर्थकों के साथ रोड शो किया। बता दें कि नामांकन जमा करने से पहले एक जनसभा का आयोजन किया गया। आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि बुधनी में चारों तरफ विकास है और यह आगे भी जारी रहेगा। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा ने भी लोगों को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। सीहोर से चंद्र सिंह भगवान की रिपोर्ट। परिवार के भाव से आज मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र सिंह जी, हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ रमाकांत का फॉर्म सामान्य आज हर घर आप बुधनी में देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, जनता के मन में प्रचंड उत्साह है, असली उत्साह, और ऐतिहासिक वोटों से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रमाकांत जी भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प है। जो चाहे कि तस्वीर और तकदीर अगर बदलिए तो भाजपा की सरकार